बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा, जातीय गणना का मुद्दा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल कानूनी दावपेच के बीच फंसा है, लेकिन बिहार सरकार पूरी उम्मीद जताई हुई है कि वो हर हाल में जातीय गणना करा के ही रहेगी। लेकिन हम आपको जो बातें बता रहे हैं वो ये है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दफे कह चुके हैं कि हर हाल में बिहार में जातीय गणना कराई जाएगी, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जवाब देगी और कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। लेकिन इस बीच सत्ताधारी दल की तरफ से बार बार ये आरोप भाजपा के ऊपर लगाया जा रहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में जातियों की गणना हो, बिहार में जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो मजबूर हैं, बेबस हैं, उनकी तरक्की बीजेपी के लोग नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे में एक ट्वीट सामने आया है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में रहने के दौरान बिहार की तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र बनाए रहते हैं, लेकिन जब वो पटना में थे और हाईकोर्ट का फैसला आया, इस बात से काफ़ी दुखी थे लालू प्रसाद यादव। ने कहा कि जो गणना का काम है वो पूरा होके रहेगा और इसके लिए सरकार लगी हुई है। तेजस्वी यादव का भी बयान है, लेकिन अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि जब केंद्र की सरकार जानवरों की गिनती करा सकती है, क्रोकोडायल यानी घड़ियाल की गिनती करा सकती है, फिर इंसान की गिनती से क्यों उन्हें डर लगता है, क्यों परहेज कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि केंद्र सरकार घड़ियाल की गिनती करा लेती है, लेकिन देश के बहुसंख्यक गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़े और अति पिछड़ों की नहीं कराना चाहते हैं। आरएसएस बीजेपी देश के ओबीसी को जानवरों से भी बदतर मानते हैं, इसलिए उन्हें जातीय गणना और जातीय सर्वे से दिक्कत है। बीजेपी को पिछड़ों से इतनी नफरत और दुश्मनी क्यों है? कास्ट सेंसस, ये सीधे तौर पे दरअसल लालू प्रसाद यादव ने एक अखबार के कटिंग का हवाला दिया है जिसमें चंबल के इलाके में गंडक नदी में जो घड़ियाल हैं उनकी गिनती का एक रिपोर्ट छपी हुई है, और इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद यादव ने लिखा है सीधे तौर पे कि घड़ियाल की गिनती जब हो सकती है तो फिर बिहार के गरीबों की गिनती क्यों नहीं कराई जा सकती है। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर सीधे हमला बोला है, लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा है, कहा है कि बिहार के ओबीसी से बीजेपी डरती है, बिहार के ओबीसी समाज को बीजेपी जानवरों से भी कम आती है, बिहार के गरीबों, पिछड़ों, वंचितों और उस समाज के हितकारी फैसले के लिए जो बिहार सरकार ने कदम उठाया था उस फैसले को दबाने के लिए उन लोगों को जो मदद मिलने वाली थी, लाभ होने वाला था, उससे उन्हें वंचित रखने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने यह साजिश रची है। लेकिन बिहार की जो सरकार है वह लगातार काम कर रही है। लालू प्रसाद यादव ने वो संख्या भी बताई है कि कैसे चंबल के इलाके में गंडक नदी में घड़ियालों की गिनती की गई। आखिर केंद्र की मोदी सरकार जब घड़ियालों की गिनती करा सकती है, उसके लिए इच्छा रखती है, तो फिर बिहार में जब जातीय गणना हो रहा था तब उसे रोकने के लिए तमाम तामझाम क्यों अपनाए गए, क्यों हथकंडे अपनाए गए, क्यों कोर्ट में मामला पहुंचा? ये तमाम सवाल लालू प्रसाद यादव ने उठाया है। जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में हैं, पटना से वापस लौटे हैं और देश की सियासत के साथ साथ बिहार के वर्तमान सियासत को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को लालू प्रसाद यादव कोसना नहीं भूलते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।